सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आप जलते हुए मोमबत्ती को उल्टा करते हो तब भी उसकी लौ हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। जीवन में भी बहुत सारी घटनाएं घटेगी जहां आपका उत्साह जोश नीचे दब जाएगा। उस वक्त ये याद रखना कि मोमबत्ती की तरह आप हर परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। अपने उत्साह और जोश की लौ को बुझने नहीं देना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि तुम मुझे पसंद करो या मुझसे नफरत, दोनों ही मेरे पक्ष में हैं। क्योंकि अगर तुम मुझको पसंद करते हो तो मैं आपके दिल में हूँ, और अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मैं आपके मन में हूँ पर रहूँगा आपके पास ही। आज का पंचांग कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 8:01 तक रहेगी। उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र शाम 6:09 तक रहेगी। इसके उपरांत रेवती नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:06 से 9:27 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:49 से 12:34 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। धनुराशि 15 नवंबर 2021 दिन सोमवार। अभी एक छोटी यात्रा आपके शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती को सुधार सकती है। लेखन संगीत कला के माध्यम से आत्मा अभिव्यक्ति के लिए समय निकालें। अलगाव और अकेलेपन का यह चरण अस्थायी है और भविष्य में आपको बेहतर अवसर मिलने वाले हैं। अपने आंतरिक संघर्षों को सुलझाएं। आज घरेलू मामलों को अन्य मुद्दों से अधिक प्राथमिकता देंगे। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाना जरूरी है और सबको प्रसन्न रखें। हमेशा ध्यान में रखें कि आपका सफल होने का संकल्प किसी भी अन्य संकल्प से महत्वपूर्ण है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई रुका हुआ काम आपके हक में हो सकता है। रिश्तेदारों के लिए विवादपूर्ण मामलों में आपका सहयोग निर्णायक रहेगा। आपकी बुद्धिमानी व सूझबूझ की चर्चा भी होगी। आपकी परिस्थिति नकारात्मक नहीं होगी लेकिन अपेक्षित बातों में वक्त लगाने की वजह से नकारात्मकता आपके अंदर उत्पन्न हो सकती है। फिलहाल मेहनत करने का समय है, इसलिए नकारात्मक बातों की वजह से खुद की ऊर्जा और वक्त बर्बाद ना करें। आर्थिक बातों में स्थिरता प्राप्त होने की वजह से करियर से संबंधित चिंता खत्म हो सकती है। पार्टनर की जीत सोच समझकर पूर्ण करें। सावधानियां, कोई भी हस्तक्षेप करने से पहले दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। आपसे कोई भूल हो सकती है या कोई चीटिंग भी कर सकते हैं। बेहतर तो यही है कि आज इन गतिविधियों को स्थगित रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक वातावरण मंगलमय रहेगा। प्रेम संबंध भी मर्यादित रहेंगे। अपने साथी से बढ़ती नजदीकियों के कारण आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप स्वर्ग में हैं। बेहतरीन रोमांटिक एक दूसरे से अपने विचारों को शेयर करें। नृत्य संगीत या संचार से भी भावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है। छोटी यात्राओं की संभावना है। अपने आंतरिक संघर्षों का समाधान करने का समय आ गया है। इसके लिए आपको जीवन के मुख्य मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। अपने खास दोस्त की कुछ बातें आज आपको विचलित कर सकती है। सब्र रखें, सब कुछ भूलकर बस अपने भविष्य के बारे में सोचें। आप दोनों का आने वाले समय जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय साबित होगा। बात करते हैं करियर की। यह समय अपने उत्पाद या सेवाओं की मार्केटिंग के लिए उपयुक्त है। संगीत नृत्य या प्रदर्शन कला के माध्यम से आप लोगों के बीच में पहचान बना सकते हैं। छोटे भाई बहनों की मदद मिल सकती है। सफलता का स्वाद लेने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करें और अपनी सोच को बढ़ाएं। परिवर्तन की हवाएं आज आपके काम और व्यावसायिकता को नया
मतलब देगी। विदेशी व्यापार और नई सहायता आपके व आपकी कंपनी को नए अवसर प्रदान कर सकती है। अपने नए उत्पाद के लिए नए विचारों की तलाश करें, इसके लिए इंटरनेट एक बेहतरीन स्रोत है। धीरज और व्यवहार कुशलता दो ऐसे गुण हैं जिन पर हमेशा अड़िग रहें। बात करते हैं सेहत की। गलत खान पान की वजह से पेट खराब रह सकता है, अपने वजन को भी कंट्रोल करना आवश्यक है। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।